बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को कवर कर लिया था, तो इस वीडियो के अंदर हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर को कवर करने वाले हैं। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती है, जो 30S राइबोसोमल सबयूनिट पर जाके बाइंड करती है, और कुछ 50S राइबोसोमल सबयूनिट पर जाके बाइंड करती है। तो 30S राइबोसोमल सबयूनिट पर जाके बाइंड करती है, वो दो कैटेगरी की होती है, बैक्टेरिसाइडल और बैक्टेरियोस्टैटिक, और दोनों के दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। इनका स्पेक्ट्रम काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। तो 30S के अंदर बैक्टेरिसाइडल वाली कैटेगरी के अंदर अमाइनोग्लाइकोसाइड है, और बैक्टेरियोस्टैटिक के अंदर टेट्रासाइक्लिन आती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड के अंदर जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नमिक एसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन, कानामाइसिन, सिजोमाइसिन और नेटिलमाइसिन आ जाता है। ओके, टेट्रासाइक्लिन के अंदर टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा, डॉक्सीसाइक्लिन है, मीनोसाइक्लिन है, टिकासाइक्लिन है और डिमिक्लोसाइक्लिन आ जाएगा। तो ये थे 30S राइबोसोमल सब यूनिट। अब बारी है 50S राइबोसोमल सब यूनिट की। तो 50S राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम तीन में डिवाइड कर देती है, नैरो स्पेक्ट्रम, मॉडरेट और ब्रॉड। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर एग्जाम्पल ए की है क्लोरामफेनिकोल है, और जो ब्रॉड और मॉडरेट दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, डैट मीन्स के ग्रोथ को सप्रेस करती है। मॉडरेट को मजीद दो में डिवाइड कर देती है, कीटोलाइट और मैक्रोलाइट। जो कीटोलाइट है, इसके अंदर एग्जाम्पल टेलिथ्रोमाइसिन है, जबकि मैक्रोलाइट के अंदर एरिथ्रोमाइसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन है और एजिथ्रोमाइसिन होती है। इसके बाद नैरो स्पेक्ट्रम की तरफ आती है। नैरो स्पेक्ट्रम में इसको दो में डिवाइड कर देती है, बैक्टेरिसाइडल और बैक्टेरियोस्टैटिक। जो बैक्टेरिसाइडल होती है वो है स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, क्यूनिपरेस्टिन, डेल्फापरेस्टिन, ठीक हो गया। जबकि बैक्टेरियोस्टैटिक के अंदर लिनकोसामाइड है और ऑक्सैलिडानोन्स है। जो ऑक्सैलिडानोन्स है उसके अंदर लिनोजोलाइड और टेडिजोलाइड है, जबकि लिनकोसामाइड के अंदर क्लिंडामाइसिन आ जाता है। अब थोड़ी सी स्पेस थी इस फ्लो चार्ट के अंदर, तो मैंने कुछ टॉक्सिटी वगैरह को भी कवर कर दिया है। ओके, जिस तरह अमाइनोग्लाइकोसाइड की टॉक्सिटी वगैरह को हम देख लेते हैं, बल्कि इसकी टॉक्सिटी को हम इसके रिस्पेक्टिव वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इनके टॉक्सिटी को पढ़ लेते हैं, लाइक टेलिथ्रोमाइसिन की वजह से हेपेटिक डिस्फंक्शन हो सकता है, क्यूट इंटरवल बढ़ जाएगा, और साइटोक्रोम P450 3A4 को इनहिबिट कर देता है। मैक्रोलाइट के अंदर जो रिथ्रोमाइसिन है, ये मॉर्टिनिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से GIT इरिटेशन हो सकती है, स्किन के ऊपर स्किन रैशेस है, ब्लड के ऊपर इओजिनोफिलिया को बढ़ा देगा। अगर हम इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट को यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट वुमेन यूज़ करेगी, तो उसकी वजह से एक्यूट कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस हो जाएगा, दैट इज वाई दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ओके, ठीक हो गया। और कुछ ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। ओके, ड्रग इंटरेक्शन के अंदर निमोनिक मैंने बनाया है MT CAT, जो M है वो माइसिन को इंडिकेट कर रहा है, और D CAT है वो कुछ ड्रग्स को इंडिकेट करेगा। ओके, वो कौन कौन से ड्रग होती है, D से डाइजॉक्सिन होता है, जो C से होगा वो कार्बामेजापिन है, सी से सीज़ापराइड भी बनती है, E से बनता है एंटीकोगुलेंट, और T से थियोफाइलिन होती है, ठीक हो गया। जो ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, क्लारिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन की वजह से होते हैं, एसिथ्रोमाइसिन की वजह से नहीं होते, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन रिंग डिफरेंट होती है। ओके, लिनकोसामाइड में क्लिंडामाइसिन है, इसकी टॉक्सिटी के अंदर मेनली सुडोमेब्रिनस कोलाइटिस है, बाकी इतनी माइनर सी है, न्यूट्रोपिनिया को भी देख लेना। जो लिनाजोलाइड है, लिनाजोलाइड की वजह से ये हो सकता है कि अगर हम इसको SSRI के साथ मिला के देंगे, सिलेक्टिव सेरोटोनर्जिक अपटेक इनहिबिटर, जिसमें फ्लॉक्सर्टीन, प्रोक्सर्टीन वगैरह आ सकते हैं, तो इनकी वजह से क्या होगा, सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा, न्यूट्रोपिनिया है और लास्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स को। अब हम इनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको एक टेबल वगैरह से कवर कर लेते हैं। तो ये है कि जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, इसके फॉर्मेशन को ब्लॉक करने वाली कौन कौन सी ड्रग होती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है और लिनोजोलाइड होती है। अब जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है उसको तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक हो गया। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड को नेक्स्ट वीडियो में आराम से हम समझ लेंगे, ठीक हो गया। लेकिन जो लिनोजोलाइड होती है, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड 30S पे जाके बाइंड करती है, लेकिन जो लिनाजोलाइड है 50S पे जाके बाइंड करती है। 50S राइबोसोमल सबयूनिट के ऊपर एक यूनिक साइट होती है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म नहीं बनने देती। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर tRNA होता है, राइबोसोम होता है और mRNA होता है, जिसको हम टर्शरी या टर्नरी कॉम्प्लेक्स बोलती है, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें होती है। अमाइनो एसिड की इनकॉर्पोरेशन को ब्लॉक करने वाली, यानी अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेस वगैरह को ब्लॉक करने वाली टेट्रासाइक्लिन होती है, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स होती है। लेकिन जो स्ट्रेप्टोग्रामिन है बैक्टेरिसाइडल होती है, तो स्ट्रेप्टोग्रामिन होती है दो और एक्स्ट्रा काम करती है, लाइक ये एग्जिट चैनल को कॉन्स्ट्रक्ट कर देती है। राइबोसोम के ऊपर एक एग्जिट चैनल होता है, ई चैनल होता है, जिसके जरिए जो न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड है बाहर निकलती है। तो इस एग्जिट चैनल को, ई साइट को ब्लॉक कर देती है स्ट्रेप्टोग्रामिन, या कॉन्स्ट्रक्ट कर देती है। इसके अलावा tRNA सिंथेटेस की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। फाइनली उसकी वजह से अमाइनो एसिड की इनकॉर्पोरेशन नहीं हो पाएगी, जबकि टेट्रासाइक्लिन 30S पे जाके बाइंड करती थी। और ये जो ऐसा अमाइनो एसिड जो tRNA से चार्ज हुआ पड़ा है, या जो tRNA अमाइनो एसिड से चार्ज हुआ पड़ा है, उसको एक्सेप्टर साइट के ऊपर, ए साइट पे बाइंड नहीं करने देती,
ठीक हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को मिनिमाइज करने वाली, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को ब्लॉक करने वाली क्लोरामफेनिकोल होती है, ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक करने वाली मैक्रोलाइड और क्लिंडामाइसिन होती है। अब ये बात तो पता चले कि जो 30S और 50S राइबोसोम होते हैं हमारे अंदर नहीं होते, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, तो ये सिलेक्टिव टॉक्सिटी होती है। लेकिन कुछ सिलेक्टिव टॉक्सिटी ना होने के बराबर होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो 80S का राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ा हुआ है, लाइक क्लोरामफेनिकोल है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन की, जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम है उसके जो प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर सकती है। उसके अलावा जो टेट्रासाइक्लिन है उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस होती है वो इफ्लक्स पंप से होती है, लेकिन जो इफ्लक्स पंप होता है वो हमारे प्रोटीन को भी बाहर फेंकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन कम से कम हो जाती है। अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स को। तो पहला है टेट्रासाइक्लिन। जो टेट्रासाइक्लिन होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती है, ओके ठीक हो गया। फार्माकोकाइनेटिक की तरफ आ जाती है। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन है। इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन वेरिएबल होती है, डिपेंड करता है कि आपने फूड ली है या कोई किटाइन तो नहीं लिया है। फूड से किट इम्पेयर्ड हो जाती है या मल्टीवेलेंट किटाइन, स्पेसिफिकली कैल्शियम है, आयरन है और एल्यूमिनियम से इम्पेयर्ड हो जाती है। इनकी जो टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है काफी ज्यादा वाइड है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है और ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन की तरफ आ जाती है। तमाम टेट्रासाइक्लिन एंटीरोहेपेटिक साइक्लिंग करती है, ओके। और जो काफी सारी या रिमेनिंग जो टेट्रासाइक्लिन है यूरिन के अंदर एलिमिनेट होती है, लेकिन जो डॉक्सीसाइक्लिन है फीसिस के अंदर एलिमिनेट होती है। डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन की हाफ लाइफ बाकी सारी टेट्रासाइक्लिन से बड़ी होती है, ज्यादा होती है, ठीक हो गया। जो टीकासाइक्लिन है वो इंट्रावीनस यूज के लिए मेनली अप्लाई होती है, जबकि बाकी टेट्रासाइक्लिन ओरल यूज के लिए होती है, बाइल के अंदर एलिमिनेट होती है और इसकी जो हाफ लाइफ वो 30 से लेकर 36 आवर है। बाकी भी डिफरेंस आएगी वो डिफरेंस इसके क्लिनिकल स्पेक्ट्रम की बेस पे आएगी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि टीकासाइक्लिन का बाकी किसी टेट्रासाइक्लिन से क्या क्या डिफरेंस होता है, तो आप इन सबको लिख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके क्लिनिकल यूजेस की तरफ, लेकिन इससे भी पहले रेजिस्टेंस की तरफ। जो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस होती है वो दो मैकेनिज्म से होती है। पहला इफ्लक्स पंप जो कि टेट्रासाइक्लिन को बाहर फेंक देगा, और दूसरा राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन होती है। जैसी प्रोटेक्शन प्रोटीन होती है जो टेट्रासाइक्लिन को बाइंड नहीं करने देती, लेकिन ये जो मैकेनिज्म होते हैं टीकासाइक्लिन के अगेंस्ट काम नहीं करते, ओके ठीक हो गया। लेकिन जो इफ्लक्स पंप होता है प्रोटीएज के अंदर और सोडामोनास के अंदर, मैं लिख देता हूँ प्रोटीएज और सोडामोनास, वो रेजिस्टेंस करवा सकता है टीकासाइक्लिन के अगेंस्ट। अब हम क्लिनिकल यूजेस की तरफ आ जाते हैं। तो क्लिनिकल यूजेस में इंडिविजुअल ड्रग को पढ़ लेते हैं, लाइक टेट्रासाइक्लिन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अंदर इस्तेमाल होती है, डिमेक्लोसाइक्लिन सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच के अंदर आती है, डॉक्सीसाइक्लिन के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लाइक लाइम डिजीज है, मलेरिया के अंदर प्रिवेंशन है, ओमाइबियासिस है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है, अल्टरनेटिव टू मैक्रोलाइड है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया, रिकेट्सिया, स्पायरोकिट वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। जो मीनोसाइक्लिन है मेनिनजोकोकल कैरियर स्ट्रेट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो टीकासाइक्लिन है जिसकी चंद बातें हमने ऊपर बढ़ी थी, इंट्रावीनस यूज, बाइल वाली एलिमिनेशन और 30 से लेकर 36 आवर हाफ लाइफ, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। मार्सा के अगेंस्ट काम करती है, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई के अगेंस्ट काम करती है, ओके। बीटा लैक्टेमेस ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है, ओके। और एनरोब्स क्लैमिडिया माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, या उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है जो कि टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो टेट्रासाइक्लिन है इनके प्राइमरी और सेकेंडरी यूजेस भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं। प्राइमरी के अंदर ये जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लैमिडिया और रिकेट्सिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, विब्रियो है, स्पायरोकीट और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है। सेकेंडरी के अंदर साइफिलिस है, उसके लिए अल्टरनेटिव होती है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है जिसमें प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है, लैप्टोस्पायरोसिस है और एक्ने को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये इसके प्राइमरी और सेकेंडरी यूजेस आपको मैंने बता दिया है। अब जो टेट्रासाइक्लिन है इसकी टॉक्सिसिटी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। जो टेट्रासाइक्लिन है इसकी टॉक्सिटी की 6 हेडिंग्स होती है। पहला जीआईटी डिस्टर्बेंस, जीआईटी के ऊपर एंटीरोकोलाइटिस करवा देती है और सुपर इन्फेक्शन करवा सकती है, लाइक कैंडिडियासिस, स्टैफिलोकोकस ओरियस का इन्फेक्शन है, कोलेस्टेडियम डिफिसिल का है। इसके बाद बोन्स और टीथ है, बोन्स के ऊपर बोन्स के ग्रोथ को खराब कर देती है, यानी जो बोन की ग्रोथ होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, और टूथ के ऊपर इनेबल डिस्प्लेजिया करवा देती है, दैट इज वाई दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। हेपेटोटॉक्सिटी है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर या ऐसा बंदा जिसके अंदर लीवर डिजीज है पहले से ही, तो उसकी वजह से हेपेटिक नेक्रोसिस हो सकती है। इसके बाद है रीनल टॉक्सिटी। रीनल टॉक्सिटी ये है कि अगर किसी ने आउटडेटेड यानी जो एक्सपायर्ड पेनिसिलिन कह रहा हूँ टेट्रासाइक्लिन ले ली है, तो इसकी वजह से रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है जिसको फैनकोनी सिंड्रोम बोलते हैं। फैनकोनी सिंड्रोम टीनोफोविर की वजह से भी होता है। इसके बाद फोटोसेंसिटिविटी डिमेक्लोसाइक्लिन की वजह से होती है। अब इसके अंदर होता यह है कि जो डिमेक्लोसाइक्लिन है ये यूवी लाइट के लिए स्किन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। लास्ट है वेस्टिबुलर टॉक्सिटी। वेस्टिबुलर टॉक्सिटी के अंदर डिऑक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन है जो कि रिवर्सिबल डिजीनेस और वर्टिगो करवा देती है। अब नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो मैक्रोलाइड है। मैक्रोलाइड के अंदर एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन,
क्लैरिथ्रोमाइसिन और फ्रिडोक्सामाइसिन आ जाती है, लेकिन पहले हम इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन का डिफरेंस तैयार कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन का फर्क यह होता है कि जो इरिथ्रोमाइसिन है इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन एजिथ्रोमाइसिन की नहीं होती। जब इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है डैट मीन्स कि इसकी अब्जॉर्प्शन फूड से मिनिमाइज नहीं हो सकती, उसकी मिनिमाइज हो जाती है। लेकिन इरिथ्रोमाइसिन की कंसंट्रेशन टिश्यू और फेगोसाइट के अंदर रिलेटिवली कम होती है, ये कंसंट्रेट हो जाती है वहाँ पे जाके। इसकी हाफ लाइफ एजिथ्रोमाइसिन की ज़्यादा होती है। इरिथ्रोमाइसिन का मेटाबॉलिज्म होता है और ये चेंज फॉर्म में एलिमिनेट होती है जिसकी वजह से हाफ लाइफ कम है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन का मेटाबॉलिज्म ना होने के बराबर होता है जिसकी वजह से हाफ लाइफ बढ़ी है। इरिथ्रोमाइसिन का कोई ना कोई ड्रग इंटरेक्शन भी होता है लेकिन एजिथ्रोमाइसिन का कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता। CYP जो 3A450 इंजाइम को 450 इंजाइम होता है उसको इनहिबिट नहीं करती। जो इरिथ्रोमाइसिन है उसका टिपिकल लैक्टोन रिंग होता है लेकिन एजिथ्रोमाइसिन का लैक्टोन रिंग डिफरेंट होता है। ओके, इसके बाद हम मैक्रोलाइट को, हम इनके क्लिनिकल यूजेस को या क्लिनिकल स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं। तो मैक्रोलाइट को चार में डिवाइड करते हैं। ओके, तो मैं लिखना ही भूल गया। इस टाइप का रिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, इसके अलावा फिडोक्सामाइसिन है। जो रिथ्रोमाइसिन होती है ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में बीटा लैक्टेम में स्टाफिलोकोकाई भी आ जाएगा लेकिन PRSB और मर्सा नहीं आएगा। और इसका निमोनिक है LUB-C4। एल से बनेगा लीजिनेला नीमोफिला, यू से बनेगा यूरिया प्लाज्मा यूरेलिटिकम, बी फॉर बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस, सी फॉर चार सी है कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई कैंपेलोबैक्टर जुजिनाई क्लाइमीडिया ट्रकोमेटस और क्लाइमीडिया निमोनाई है, और लास्ट है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। नेक्स्ट है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का एजिथ्रोमाइसिन वाला स्पेक्ट्रम है, इसके अलावा ये HMN के अगेंस्ट काम करती है। HMN में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरेक्सिला कैटरालिस और निजेरिया आ जाता है। इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है डैट इज वाइज सिंगल इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइमीडिया ट्रकोमेटस, या 4 दिन का कोर्स होता है कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया के लिए। जो क्लैरिथ्रोमाइसिन है ये माइकोबैक्टीरियम AVM इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करने और प्रोफाइलेक्सिस के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हेलिकोबैक्टर पायलोरिक का जो ट्रिपल रेजिमेन है उसके अंदर भी आ जाती है। फिडोक्सामाइसिन ग्राम पॉजिटिव एरोब और एनारोब के अगेंस्ट इफेक्टिव है, स्पेसिफिकली स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस को रट्टा मार लेना। अब मैंने रेजिस्टेंस बताना भूल गया। जो रेजिस्टेंस होती है वो दो मैकेनिज्म से होती है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर और ग्राम नेगेटिव के अंदर डिफरेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर इफ्लक्स पंप से और मिथाइलेस से होती है। वो मिथाइलेस करता क्या है, जिस जगह पे इन्होंने बाइंड करना होता है मैक्रोलाइट ने उसको मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाती है। और अगर मिथाइलेशन की वजह से रेजिस्टेंस होती है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्लिंडामाइसिन और स्ट्रेप्टोग्रामिस से भी रेजिस्टेंट होती है। एंटीरियो बैक्टीरिया से जिसमें ग्राम नेगेटिव रोडेंटेरिक आती है तो वो रेजिस्टेंस होती है थ्रू द एस्ट्रेस एंजाइम जो कि इसको मेटाबोलाइज कर देता है। जो टेलिथ्रोमाइसिन है ये कीटोलाइट वाली फैमिली से बिलोंग करती है। जो टेलिथ्रोमाइसिन है, अच्छा इनकी टॉक्सिटी कहा था, तो टॉक्सिटी कहाँ रहेगी है, तो टॉक्सिटी हमने यहाँ से कवर कर चुकी है एरिथ्रोमाइसिन वगैरह की। जो टेलिथ्रोमाइसिन है मैक्रोलाइट रेजिस्टेंट स्ट्रेन के लिए अप्लाई होती है, जो मैक्रोलाइट से रेजिस्टेंट होती है वो इससे ससेप्टेबल होती है क्योंकि जो टेलिथ्रोमाइसिन है राइबोसोम के ऊपर टाइटली बाइंड करती है और ये इफ्लक्स पम्प के लिए पुअर सब्सट्रेट होती है। इसका क्लिनिकल यूज और टॉक्सिटी वगैरह को देख लेती है। तो क्लिनिकल यूज के अंदर कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया है और इसकी टॉक्सिटी के अंदर हेपेटिक डिसफंक्शन, क्यूटी इंटरवल का ज़्यादा हो जाना और इसके अलावा तो क्यूटी इंटरवल ऑफ हेपेटिक डिसफंक्शन है। नेक्स्ट है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन का जो क्लिनिकल यूज होता है वो बैक्टेरियोइड के लिए होता है, मर्सा के लिए होता है, यानी जो क्लिंडामाइसिन होती है इसकी वजह से स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है। बैक्टेरियोस्टैटिक है, मैक्रोलाइट जैसा काम करती है ये भी। जो इसका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो मिथाइलेशन वाला होता है, एंजाइमिक इनएक्टिवेशन होती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव अरोब होते हैं वो इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि वो आउटर मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट नहीं कर सकती। क्लिनिकल यूजेस की बात करते हैं तो उसका निमोनिक है BME, तो बी से बैक्टेरियोइड, एम से मर्सा और ई से एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस के लिए प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली वो पेशेंट जो पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं। और जो एड्स वाले पेशेंट के अंदर डिमोसिस्टस निमोनिया हो सकता है और टॉक्सोप्लाज्मोसिस है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी देते हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर हम पिरामेथामिन के साथ मिला के दे देते हैं। टॉक्सिसिटी के अंदर न्यूट्रोपिनिया, हेपेटिक डिसफंक्शन और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, लेकिन सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस का भी नहीं भूलना। अब बैक्टीरियोसाइडल है जो कि 50S पर जाके बाइंड करती है तो वो स्ट्रेप्टोग्रामिन होती है। जो स्ट्रेप्टोग्रामिन है उसमें क्यूनिप्रोस्टन और डेल्फापरेस्टिन है। इनका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी का ड्यूरेशन इनकी हाफ लाइफ से बड़ा होता है और इसको बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब ये है कि इनके जो कंसेंट्रेशन होती है वो मिनिमल इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन से नीचे चली गई है, लेकिन फिर भी कंसेंट्रेशन कम होने के बावजूद भी बैक्टीरिया को किल किया जा रहा है। इसको मैं अलग से बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा अलग फ्लो चार्ट से, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रेप्टोग्रामिन होती है ये बैक्टीरियोसाइडल होती है। ओके,
बैक्टीरियो स्टैटिक नहीं होती, दो एंटीबायोटिक का कंबिनेशन होती है। एंटीरोकोकस स्पेशलिस वाले ऑर्गेनिज्म के लिए ये इंट्रेंसिकली रेजिस्टेंट होती है, किसी काम की नहीं होती क्योंकि वहाँ पे इफ्लक्स पंप होता है, जिस तरह हमने ऊपर ग्राम नेगेटिव एरोब्स पढ़ा था जहाँ पे वो पेनिट्रेशन नहीं हो पा रही थी। क्लिनिकल यूजेस की तरफ आती है तो PRSP है, MRSA होता है, इसके अलावा वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ओरियस है और वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई है, उसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है। टॉक्सिसिटी के अंदर आर्थ्रल्जिया माल्जिया सिंड्रोम और CYP3A4 इनहिबिशन और ड्रग की इंटरेक्शन वगैरह हो सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आई थिंक ये लास्ट बल्कि सेकंड लास्ट है, वो है क्लोरामफेनिकोल। तो जो क्लोरामफेनिकोल होती है, क्लोरामफेनिकोल बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके लिए बैक्टीरियोसाइडल हो जाएगी। वो बैक्टीरियोसाइडल कौन कौन सी होगी, उसका निमोनिक होता है HBN, उसकी तरफ आता हूँ। जो क्लोरामफेनिकोल होती है ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, 50S राइबोसोमल सबयूनिट पे नहीं बल्कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेस एंजाइम को आके ब्लॉक करना शुरू कर देती है। ओके, तो इसकी अब्जॉर्प्शन ओरल भी होती है, पारेंटेरियली भी होती है, टॉपिकली मेनली अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो फिर इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा बड़ा है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती है। मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन के अंदर देखते हैं तो एंटीरोहेपेटिक साइकिलिंग होती है, इसको इनएक्टिवेट करने वाला हिपेटिक ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेस होता है। अब इस पॉइंट की वैल्यू है क्योंकि जो इन्फेंट होते हैं उनके पास एंजाइम नहीं होता, जब एंजाइम नहीं होता तो इनएक्टिवेट नहीं हो पाएगी और ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के अंदर बैक्टीरियोस्टैटिक तो होती है लेकिन तीन ऑर्गेनिज्म के लिए बैक्टीरियोसाइडल होती है, इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियोइड और नाइजीरिया मेनिनजाइटिस हो जाता है। ठीक हो गया, टॉपिकली एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है। इसका जो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है वो प्लाज्मिड मीडिएटेड होता है, एसिटाइल ट्रांसफरेस से होता है जो कि ड्रग को इनएक्टिवेट कर देगा। ये बैकअप ड्रग होती है साल्मोनेला के लिए होती है, न्यूमोकोकल और मेनिंजोकोकल मेनिनजाइटिस, स्पेसिफिकली बीटा लैक्टम सेंसिटिव इंडिविजुअल के अंदर। ओके, और रिकेट्सिया है लेकिन क्लैमिडिया में किसी काम की नहीं है, और लास्ट है बैक्टीरियोइड फ्रेजिलस, उनके लिए इस्तेमाल होती है लेकिन ये बैकअप ड्रग होती है, मेन ड्रग ये नहीं होती। टॉक्सिसिटी की तरफ आती है तो टॉक्सिसिटी के अंदर GIT डिस्टर्बेंस है, उसमें इरिटेशन हो सकती है, सुपर इन्फेक्शन हो सकता है कैंडिडा का, बोन मैरो के ऊपर एप्लास्टिक एनीमिया है, और इन्फेंट के अंदर हेपेटिक ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेंस ना होने की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम हो सकता है, उसमें RBC कम होते हैं, साइनोसिस होता है और CVS कोलैप्स हो जाता है। जो एप्लास्टिक एनीमिया है वो इडियोसिनक्रेटिक रिएक्शन होता है जो कि रेयर एबनॉर्मल अनयूजुअल रिएक्शन होता है। और लास्ट है ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन होता ही है कि जो क्लोरामफेनिकोल है इनहिबिट कर देती है PTW के मेटाबॉलिज्म को, इनकी हाफ लाइफ को बढ़ा देती है। PTW के अंदर कौन कौन सी आती है, फेनिटोइन है, टोलब्यूटामाइड और वारफिन आती है। इन तीनों के अंदर एक सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी ये है कि तीनों के तीनों जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। इसके बाद लास्ट है ऑक्सैलिडिनोन्स। जो ऑक्सैलिडिनोन्स आते हैं इसमें दो है, लिनाज़ोलाइड और टेडाज़ोलाइड। जो लिनाज़ोलाइड होती है 50S राइबोसोमल सबयूनिट के 20S3S पर जाके बाइंड करती है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को मिनिमाइज कर देती है। रेजिस्टेंस का बेसिक मैकेनिज्म है एफिनिटी को काम कर देना, तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करती है, लाइक MRSA है, PRSP है। एक बात नोट करना कि जो MRSA और PRSP है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो अगर आप देखोगे तो MRSA और PRSP इसमें भी आ रहा है। ठीक है, ओके, पीछे अगर आओगे MRSA और PRSP इसमें नहीं आ रहा होता। ओके, टेट्रासाइक्लिन के अंदर MRSA और PRSP नहीं आ रहा होता, बाकी ये बीटा लैक्टम वाले वीडियो के अंदर आप देख लेना। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी से आपका आसान हो जाएगा काम। MRSA PRSP वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई है, यानी वैनकोमाइसिन से रेजिस्टेंस है, तब हम टेप्टोमाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं, लिनाज़ोलाइड भी यूज़ कर सकते हैं, कोर्निबैक्टीरियम लिफ्थेरियाई और लिस्टेरिया ये भी यूज़ कर सकते होते हैं, जबकि टेडाज़ोलाइड MRSA के अगेंस्ट काम करता है। इनके टॉक्सिसिटी के अंदर सिनोटिनिन सिंड्रोम है और इसके अलावा न्यूट्रोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।